नमस्कार दोस्तों, आज दोस्तों मैं लेकर आया हूँ एप्पल की तरफ से iPhone 15। ये देखिए बॉक्स दोस्तों आपको ओपन दिख रहा होगा, क्योंकि ये फ़ोन मैंने निकाल भी लिया, यूज भी कर लिया, बट वीडियो बनाने के लिए दोस्तों मैंने फिर से इसको पैक कर दिया है वैसे के वैसे ही। तो इसलिए दोस्तों ये आपको थोड़ा उठा हुआ दिख रहा होगा, देखिए खुला हुआ। तो दोस्तों मैंने आपकी बार मंगाया है ब्लैक कलर, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ब्लैक कलर में दोस्तों iPhone 15 काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। बाकी दोस्तों जो ब्लू वाला शेड आता है, जो वाइट सा लगता है दोस्तों, वो इतना अच्छा नहीं लगता। बाकी फिर मैंने इसको ब्लैक कलर में ही परचेस कर लिया। ये है दोस्तों मेरे पास iPhone 15 ब्लैक कलर, 256 GB। मैंने इस बार दोस्तों 256 GB मॉडल मंगाया है। और दोस्तों ये मुझे कितने का मिला जी, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि जो प्राइस आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दिख रही है, आपको पता है कि एप्पल के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें दोस्तों आपको ऑफलाइन में कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता, क्योंकि एप्पल ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो ऑनलाइन मिलता है। ऑफलाइन में दोस्तों इतना डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता। फिर भी दोस्तों मैंने इतना सस्ता कैसे खरीदा है, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों ओपन करता हूँ बॉक्स, देखिए जी है दोस्तों मेरे पास फ़ोन ब्लैक कलर, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। और दोस्तों ये डाटा केबल वगैरह मिलती है, बाकी और कुछ ही नहीं है इसमें। एक पिन होती है, एक स्टिकर वगैरह होता है, तो बस छोटी सी अनबॉक्सिंग होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जो कैमरे का दोस्तों जो लेंस आपको दिख रहे हैं ना, ये इस वजह से आपको काफ़ी जी लाइट मिल रही है, तो ये इस वजह से मिल रही है क्योंकि इनके ऊपर दोस्तों रिंग लगी हुई है अच्छी क्वालिटी की। इस वजह से दोस्तों इसका जो कैमरा बम्प है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, नहीं तो आपको पता ही है कि कैमरा इतना उठा हुआ नहीं है। ये देखिए रिंग मैंने इसलिए लगवा ली क्योंकि कोई भी डेंट वगैरह कैमरा की साइड से आए ना, तो जो मैं लगवा ली थी। बाकी फ़ोन के ऊपर पीछे मेमोरी लगी हुई है मैट फिनिश वाली, इसलिए ये और अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और जो एप्पल का लोगो है वो काफ़ी शाइनी और ग्लॉसी लग रहा है। तो दोस्तों देखिए इसमें आपको टाइप सी मिलती है चार्जिंग के लिए, तो ये दोस्तों अच्छा है। अब टाइप सी दोस्तों डाटा केबल मिल जाती है, टाइप सी डाटा केबल। डिस्प्ले 6.1 इंच की मिलती है, तो काफ़ी हैंडी फोन लगता है। इसमें आपको A16 Bionic चिप मिलती है, जो कि दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देगी, काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देती है आप। इसका जो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों इस फ़ोन के ज़्यादा फीचर मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि आईफोन 15 में हमें क्या क्या मिलता है। काफ़ी लोग हैं जो आईफोन के फैन होते हैं, तो काफ़ी लोगों को पता है कि इसमें हमें मिलता क्या क्या है। मैं आता हूँ मेन चीज़ पर, जो है दोस्तों इसकी प्राइस। ये भी कवर दोस्तों मैंने कोई परचेज नहीं किया, क्योंकि जिस फ़ोन मैंने लिया है वहीं से दोस्तों मुझे ये कवर मिला। बात करता हूँ प्राइस की, तो दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है जो कि मेरे घर के पास ही रहता है, उसने दोस्तों ये फ़ोन परचेस किया था 17 अप्रैल दोस्तों लास्ट महीने एप्पल स्टोर से। तो वहाँ से दोस्तों इसका जो प्राइस था वो था समथिंग 80,000 के आसपास। इसका जो प्राइस था दोस्तों एक्चुअल प्राइस 80,000 के समथिंग था। उस बंदे ने फ़ोन लिया, बट उसको ये फ़ोन इतना पसंद नहीं आया। पसंद इसलिए नहीं आया दोस्तों क्योंकि वो है दोस्तों एंड्रॉयड यूज़र, और कोई जब बंदा एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता है काफ़ी टाइम तक, तो उसको एप्पल के जो फंक्शन होते हैं iOS होता है वो पसंद नहीं आता। तो वो उसको सेल करने की सोच रहा था, उसने मुझसे बोला कि मुझे सेल करना है, तो फिर मैंने ही ले लिया, जबकि इसका कोई भी यूज नहीं था। तो मैंने उससे जब उसने लिया था उसके कुछ ही दिन बाद उसने मुझे सेल कर दिया, तब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और वीडियो में काफ़ी लेट इसलिए बना रहा हूँ, तो सोचा चलो इसकी वीडियो बना दूँ, तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखा दी। तो इस वजह से मैंने इस फ़ोन को सिर्फ उससे सारी एसेसरीज जो होती हैं, जैसे कवर वगैरह, टेम्पर लगा हुआ है, मेमोरी लेंस वगैरह जो भी कुछ था वो मैंने कुछ नहीं किया, सब उसी ने करवाया था। फिर ही दोस्तों मैंने उससे सिर्फ इसको 62,000 में ले लिया, 62,000 रुपये में, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी डील लगी मुझे, क्योंकि एकदम न्यू ब्रांड फ़ोन सिर्फ 10 से 12 दिन चला हुआ, और मैंने उससे सिर्फ 62,000 रुपये में ले लिया, जिसके साथ मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे कवर भी मिले। कई कवर उसने मुझे दिए थे, करीब समथिंग 2-3 कवर थे, जो कि काफ़ी महंगी क्वालिटी वाले थे। और ये जो लेंस वगैरह लगे हुए हैं आगे, टेम्पर वगैरह, मुझे इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। और हाँ दोस्तों एक चीज़ और, जो इस पर टेम्पर आप देख रहे हो जो साइड से थोड़ा छोटा छोटा लग रहा है,
ये कोई लोकल टेम्पर नहीं है, लोकल हो सकता है बट ये टेम्पर जो है दोस्तों एप्पल वालों ने ही लगाया है। जब हम आई प्राइम से इस फ़ोन को ख़रीदते हैं तो वहाँ से जो टेम्पर लगवाते हैं ना, जो समथिंग 2000 रुपये का था जो भाई वाला टेम्पर है, तो जो टेम्पर है ये वहाँ से समथिंग 1500 रुपये का लगाया था वो एप्पल स्टोर वालों ने, तो भाई टेम्पर इस पर लगा हुआ है। तो इस तरीके दोस्तों मुझे ये फ़ोन काफ़ी अच्छी प्राइस में मिला। अगर दोस्तों कोई भी आपका कमेंट है इस फ़ोन को लेके तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी काफ़ी अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो लाइक उसे जरूर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।